खबर छत्तीसगढ़ कोरिया से, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने की खबर पर जब मनेंद्र नगर के एक पार्षद ने देखी तो उसने यह ठान लिया कि वह भी अपने वार्ड के स्कूलों को बेहतर बनाएगा। कोरिया जिले के मनेंद्र नगर के वार्ड नंबर 16 में पार्षद शिवनारायण यादव की पहल से सरकारी स्कूल के बच्चों को बेहतर संसाधन मिले हैं। हम आपको बता दें, स्कूल की व्यवस्था सुधार होने के बाद अब इस बच्चे भी स्कूल में मुस्कान की तरह आते हैं, जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहता है। इस स्कूल के बच्चों को अब स्कूल में पढ़ाई के लिए वहीं साथ साथ खेलने व कूदने के लिए बैठने की भी व्यवस्था मिली। पार्षद शिव नारायण ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद स्कूल की समस्याओं को दूर करने का किया प्रयास। स्कूल में बाउंड्री वॉल तक नहीं थी, जिससे बच्चों के लिए खतरा बना रहता था। बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया। बच्चे जब जमीन पर बैठते थे, बैठने के लिए बेंच तक की व्यवस्था कराई गई है। देखें पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर स्टेट ब्यूरो वेद प्रकाश तिवारी के साथ। ये किस तरीके के स्कूल में कार्य आपके द्वारा किया गया है? जब मैं यहाँ पार्षद चुनकर आया यहाँ, तो स्कूल में मैं बहुत सारी चीज़ों की छोटी छोटी कमियों को देखने को मिला मेरे को। जैसे स्कूल हमारा बना नहीं था, खपड़े का स्कूल था, कंडी टूटी हुई थी। ये डर लगता था कि कभी भी स्कूल गिर जाएगा तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए। यहाँ बच्चे खेलते रहते थे, बाउंड्री नहीं थी, मोटरसाइकिल वाले बीच रोड से लेके जाते थे, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था। इस प्रकार से जब देखा तो मैंने काफ़ी प्रयास किया, लिखा पढ़ी किया, ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारियों को। मुझे SDM साहब पूर्व में यहाँ रहे हुए, अभी वर्तमान CO साहब श्री संजीव झा सर, S प्रकाश जी, कलेक्टर साहब का धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा सहयोग दिया गया और आज स्कूल भवन आपके सामने देखने को मिल रहा है। स्कूल की बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है, ये स्कूल सुरक्षित हो गया। फिर देखता था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने घर से बस्ते में थाली लेके आते थे, थाली लेके वहाँ से भोजन करने के लिए मध्याह्न भोजन, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने पार्षद निधि से प्रयास किया कि थाली, कटोरी, चम्मच, ताकि बच्चे स्कूल से कुछ जो मिले उन्हें स्कूल से ही मिले, अपने घर से ना लाएं थाली कटोरी, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं, बस्ता में थाली चम्मच कटोरी लेके आना अच्छा नहीं लगता। बच्चे अपना भविष्य पुस्तक लेके आए हैं बस्ता में, इसलिए मैंने अपना थाली कटोरी चम्मच की भी व्यवस्था कराई। उसके बाद देखा कि छोटे बच्चे हमारे टाट पट्टी में बैठते हैं प्राथमिक स्कूल पे, मुझे अपना बचपन भी याद आ गया कि बचपन में हम भी बैठा करते थे। महाराज हमें, मुझे लगा कि क्यों ना स्कूल में एक बेंच दिया जाए बच्चों के लिए, तो सारे बच्चों के लिए प्रयास किया गया कि बेंच टेबल में दें। आज हमारे बच्चे एक प्राइवेट स्कूल के श्रेणी में बेंच में बैठ रहे हैं। फिर उसी के बाद देखने को मिला कि चूँकि बच्चों से मेरा लगाव काफ़ी है, तो मैंने बच्चों को खेलने के लिए फिर मैंने बाजार बनाया और उसके बाद यहाँ एक झूला और कुछ कुछ चीज़ें और चीज़ें जो हैं वो भी प्रोवाइड कराई, खरीदी करवाया अपने पार्षद निधि से। आज बच्चे झूल रहे हैं, खेला बहुत अच्छा लगता है देखने में, मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि बच्चों की खुशी हमारी। हो सकता है इसी स्कूल से हमारा बच्चा देश का कोई, भविष्य का कोई नायक बन के निकले, मुझे काफ़ी खुशी है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने अधिकारियों का, कलेक्टर साहब का, एस प्रकाश सर का, संजीव झा सर का, जिनके सहयोग से मैं काम कर पाया, और बाकी मेरे सभी का धन्यवाद है। और बताना चाहूँगा कि इस स्कूल को जीवंत करने में यहाँ के जो सर हैं हमारे नसीम सर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी यहाँ जो फूल पौधे आप देख रहे हैं, गार्डन, उन्होंने अपने पॉकेट से पैसे लगा कर यहाँ पूरी फूल गार्डन की है, और इस स्कूल को सजाने में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं तो चाहूँगा कि सर हमेशा इस स्कूल को सुरक्षा दें और इस स्कूल का ख्याल रखें। और इस दीवार में आप देख रहे हैं, इसमें बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री में भी मैं चाहता हूँ कि पेंटिंग हो जाए, दार्शनिक लोगों का अपने भारत के जो भी है चित्रकारी हो जाए, ताकि ये सुंदर स्कूल और सुंदर और बहुत सुंदर दिखे। अपने स्कूल में क्या समस्या थी, अभी क्या हुआ उसमें? हमारी जो ये वार्ड नंबर 16 में हमारा शासकीय प्राथमिक शाला आमा के रोड स्थित है, इसमें जो अपने स्कूल का भवन था पुराना था, खपड़े वाला था, तो वर्तमान में पार्षद श्री शिवनारायण यादव जी हैं, उन्होंने अथक प्रयास करके हमारे स्कूल में नया भवन बनवा दिया और बाउंड्री वॉल बनवा दी। बच्चों को बैठने के लिए पहले टाटपट्टी में बच्चे बैठते थे, उन्होंने प्रयास करके बेंच की व्यवस्था कर दी अपने पार्षद निधि से, और जो खेल का मैदान था उसमें झूले लगवा दिए, फिसल पट्टी लगा दिए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह का सहयोग विद्यालय के लिए प्रदान करते हैं। क्या क्या हुआ? पहले बेंच आए, फिर और फिर कॉपी मिले, फिर थाली मिले, और फिर क्या कहते हैं, पहले बच्चे पहले बाउंड्री टूटा हुआ था, फिर बाउंड्री को घेरे, फिर यहाँ सब कुछ झूला उला सब लगा, फिर और बेंच मिला और
थाली मिला और खेलने के लिए।